गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि सब जानते हैं कि हम जब बेबीज़ को बॉटल फीड कराते हैं तो बॉटल फीड कराने के साथ में इनडाइजेशन, डायरिया वगैरह होने के बहुत ज़्यादा रिस्क और चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन कॉज करने के बेबी के स्टमक में इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इफ़ इनकेस बॉटल सही से धुली ना हो या फिर ढंग से स्टरलाइजेशन ना हुआ हो। तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि बॉटल को आप किस तरीके से धो रहे हैं एंड साथ साथ में उसको स्टरलाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि जो उसके अंदर के जो जर्म्स होते हैं अगर इनके रह जाते हैं तो वो कम्प्लीटली किल हो जाए एंड बॉटल जो है वो बिल्कुल सेफ हो जाए और बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इनकेस अगर आपके पास में स्टरलाइज़र नहीं है तो आपको बेबीज़ की जो बॉटल्स हैं उनको किस तरीके से माइक्रोवेव में स्टरलाइज करना है। जिन जिन लोगों के पास में माइक्रोवेव है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, तो आपको स्टरलाइज़र स्पेशली ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये आप मेरे पास में दो बॉटल्स देख सकते हैं, इनको मैंने अभी फ्रेशली क्लीन किया है, अच्छी तरीके से उसके निपल्स को धोना निपल्स के ब्रश के थ्रू और साथ साथ में बॉटल्स को क्लीन करना अच्छी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में हमारा जब स्टेप टू होता है, ये हमने क्लीनिंग कर ली है बॉटल्स की। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास में क्लीन बॉटल्स मैंने क्लीन कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, मुझे स्टरलाइज करना है बॉटल्स को। सो अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से माइक्रोवेव में स्टरलाइज करते हैं। फ्रेंड्स, ये आप मेरे पास में माइक्रोवेव रेसिस्टेंट एक बाउल देख रहे हैं और इसमें मैंने पानी डाला हुआ है। सो अब इस बाउल को मैं रख देती हूँ साइड में। बच्चों की बॉटल को छूने से पहले और उसको स्टरलाइज करने से पहले मेक श्योर कि आपके हाथ साफ़ हो। मैंने इन बॉटल्स को धोने से पहले भी धोए थे अपने हाथ और फिर उसके बाद में जब धोते हैं तो हमारे हाथ गीले ही होते हैं और साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद में भी अभी भी मैं टच कर रही हूँ तो मैंने वापस से हाथ धोए थे। तो मेक श्योर कि आप अपने हाइजीन लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और बहुत जल्दी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है उनकी बॉडी में। सो ये आप देख सकते हैं, ये माइक्रोवेव रेजिस्टेंट बाउल है, इसमें मैंने पानी डाला है। ये मैंने बॉटल है, एक बॉटल इसमें डाल दी है। ये उसकी निपल है एंड ये उसका कवर है, निपल कवर है। इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब मैं ये सेकेंड बॉटल लूँगी, इसको मैंने पानी में डिप कर दिया। ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से निपल निकाली है, इसको मैं डाल दूँगी और ये साथ साथ में ये मैंने डाल दिया और यहाँ पर मैं इसको कैप को भी पानी में इमर्स कर दूंगी इस तरीके से। सो ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा सारा का सारा जो बॉटल्स हैं और उसके पार्ट्स हैं वो कम्प्लीटली पानी में इमर्स हैं। सो मैं यहाँ पर माइक्रोवेव को ओपन करूँगी। ये मैंने माइक्रोवेव ओपन किया, ये मैं पूरा जो बाउल है इस तरीके से अंदर रख दूँगी माइक्रोवेव के अंदर। यहाँ पर मैंने रख दिया, माइक्रोवेव को बंद कर दिया और 2 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव को स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पर मैं टाइमर सेट करती हूँ 2 मिनट का। ये रहा 2 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पर हमारा जो बॉटल्स है वो माइक्रोवेव हो रही है। 2 मिनट बाद में देखेंगे कि हमारी बॉटल्स अच्छी तरीके से माइक्रोवेव में स्टरलाइज हो गई या नहीं हो गई। अगर इनकेस नहीं हो गई या आपको लगता है कि थोड़ा सा हम और टाइम दे सकते हैं तो आप 1 मिनट और बढ़ा दीजिएगा और तो आपकी जो बॉटल्स हैं वो अच्छी तरीके से स्टरलाइज हो जाएंगी, क्योंकि पानी के साथ में वो हीट हो जाएगी। A few moments later. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं इसको माइक्रोवेव को ओपन करूँगी। मेरी बॉटल्स जो है स्टरलाइज हो गई है। आई थिंक मैं 1 मिनट और चला देती हूँ जिससे कि 3 मिनट में अच्छी तरीके से और स्टरलाइज हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट और चला देती हूँ। मेरा बोल जो है वो छोटा है और उसमें मैंने जो बॉटल्स डाली हैं वो रिलेटिवली कम डाली हैं। सो अगर आपका बोल बड़ा होता है और आप उसमें सपोज 4 या 5 बॉटल्स डालते हैं तो आप बॉटल्स जो टाइमर है आप 5 से 6 मिनट आप चला सकते हैं, जिससे कि आपके बॉटल्स जो हैं वो आराम से अच्छी तरीके से स्टरलाइज हो जाएंगी। 1 मिनट के बाद में मैं अपनी बॉटल्स को निकाल लूँगी, थोड़ा सा कुछ हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन के। कॉशियस रहिए कि जब भी आप कुछ भी चीज़ निकालें माइक्रोवेव में से तो कुछ
कपड़ा या फिर माइक्रोवेव के वो जो हैंड ग्लव्स आते हैं आप उनको पहन के तभी निकालिएगा, क्योंकि जो हमारा वेसल या कंटेनर होता है वो बहुत ज़्यादा हीट अप कर जाता है। तो आपको अपने को भी बचाना है, आप गर्म पानी से जले नहीं, सेकेंडली आपको उससे हीट ना हो तो आपके स्किन वगैरह ना जले। अब मैं माइक्रोवेव को इस तरीके से खोलूँगी और यहाँ पर मैं आराम से इस कपड़े की हेल्प से बोल को निकाल लूँगी। माइक्रोवेव को बंद कर देंगे। यहाँ पर मेरा जो पानी है वो गर्म हो गया है एंड जो फ्यूम्स और जो मॉइस्चर है ना वो कम्प्लीटली इस बॉटल्स के ऊपर आ गया है। बाउल थोड़ा सा गर्म है सो आई एम फाइंडिंग इट थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट आप ये देख सकते हैं कि जो फ्यूम्स हैं वो अंदर डिपॉजिट हो गई, मॉइस्चर डिपॉजिट भी हो गया, हमारी जो बॉटल्स हैं अच्छी तरीके से स्टरलाइज हो गई, पानी काफ़ी गर्म हो गया है। मैं बोल को रख देती हूँ बिकॉज इट्स हॉट थोड़ा सा। अब हम इन बॉटल्स को 5 से 10 मिनट बाद में पानी में से निकाल लेंगे एंड देन इट इज़ रेडी टू यूज़। आप बच्चे को फिर उसके बाद में अगर बेबी को भूख लगती है, दूध देना है, जूस देना है, पानी देना है, कुछ भी आप 5 से 10 मिनट बाद में निकाल के बॉटल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर आप उसके बाद में आप बेबी को कुछ भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 मिनट हो गए। अब मैं बॉटल्स को निकाल देती हूँ क्योंकि बॉटल्स जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई हैं। इस तरीके से मैं निकाल दूँगी। अगेन मेक श्योर कि आपके हाथ जो हैं वो अच्छी तरीके से क्लीन हो, और बॉटल्स निकालने से पहले भी आप अपने हाथों को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करके आएँ। बहुत हाइजीन का हमें ध्यान रखना है कि बच्चे के अंदर कोई भी हम इन्फेक्शन अननोइंगली ट्रांसफ़र करना करें। यहाँ पर आई एम नॉट टचिंग दी निप्पल, हल्का सा आगे ऐसे करूँगी और ये मैंने लगा दिए। ये मेरी एक बॉटल रेडी हो गई है, मेरी दोनों बॉटल्स जो हैं वो अच्छी तरीके से स्टरलाइज हो गई हैं और अब मैं बेबी को दे सकती हूँ। नाउ अब ये वाला जो पानी है आप इसको फेंक सकते हैं या फिर अपने घर के यूटेंसिल्स वगैरह या फिर कुछ गंदे कपड़े वगैरह धोने उसमें डाल के आप इसको पानी को रीयूज़ भी कर सकते हैं, बट दोबारा से बेबी की बॉटल्स को स्टरलाइज करने के लिए ये आप पानी बिल्कुल मत यूज़ करिए। सो फ्रेंड्स होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड यार कमेंट अपने साथ में शेयर कर दो, जैसे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं नहीं आ रही हैं। अगर कोई क्वेरीज होती है देन आई विल ट्राई कि मैं उसको जल्द से जल्द आंसर करूँ। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।